नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। और हम बता दें कि आप यदि AEPS का काम करते हैं और यदि आप मॉर्फो मशीन यूज करते तो आप सभी के लिए एक बुरी खबर है। तो चलिए हम उसकी पूरी जानकारी देंगे। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हम जब भी कोई वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। आप देख सकते हैं सामने एक इमेज खुली हुई है जिसमें लिखा हुआ UIDAI के अनुसार मॉर्फो 1300E एंड मन और 1300 2022 से बंद हो रही है। AEPS सेवाओं का उपयोग जारी रखने के लिए कृपया एक नया बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदें। तो आप सभी को हम बता दें कि यदि आप मॉर्फो की 1300E और 1300E2 डिवाइस यूज करते हैं तो ये आज के बाद मतलब 1 जनवरी 2023 से बंद कर दी जाएगी। तो ये आपके लिए एक बुरी खबर है। आपको AEPS का काम यदि आगे स्टार्ट करना है तो आपको इसके लिए एक दूसरी डिवाइस खरीदना पड़ेगी। ये डिवाइस आपकी बंद कर दी जाएगी। UIDAI की तरफ से मॉर्फो की डिवाइस को बंद कर दिया गया है। तो ये जितने भी हमारे पे पॉइंट रिटेलर हैं और अगर वो मॉर्फो की डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये बुरी खबर है। और आपको इसके अलावा अब कोई अन्य बायोमेट्रिक डिवाइस ख़रीदना पड़ेगी। ठीक, तो इसी को बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। तो हमारे जितने भी पे पॉइंट रिटेलर हैं या अन्य कोई भी कंपनी के जो भी रिटेलर हैं और वो यदि मॉर्फो मशीन को यूज कर रहे हैं और अगर कल से वो मशीन आपकी बंद होती है तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो UIDAI की तरफ से ही मशीन बंद की जा रही है और आपको उसकी जगह पर एक नई मशीन खरीदना पड़ेगी। अन्य कोई कंपनी जैसे मंत्रा या स्टार्टेक से आपको मशीन खरीदना पड़ेगी। मॉर्फो की RD सर्विस कल अर्थात 1 जनवरी 2023 से बंद कर दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर से। धन्यवाद।